गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। सो टुडे अगेन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेक्चर फॉर यू, इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। जो आज हम करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। देखिए, सारी ऊपर वाली चीजें हम कर चुके हैं ओल्ड लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे प्लेलिस्ट में जाके तो आपको मिल जाएंगे सारे। तो इस मैथमेटिकल टूल जीरो यूनिट में फॉर 11th क्लास फिजिक्स में हम जो आज करेंगे इस लेक्चर में, इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस। देखिए, फिजिक्स के डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स में, हर लेक्चर में यही बोल रहा हूँ कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल और एक्सप्रेशंस में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी की सारी इन्हीं पे बेस्ड होगी। ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो भी हम ये बता रहे हैं, सिखा रहे हैं आपको। तो मैथमेटिकल टूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। तो हमारे पास टॉपिक है इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। तो इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, हमारे पास ये फॉर्मूले है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो ये फॉर्मूले मैं बता रहा हूं आपको ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फॉर्मूले आप मैथ में भी पढ़ेंगे और जब न्यूमेरिकल करेंगे या एक्सप्रेशन करेंगे तो उसमें यूज हो सकते हैं, इनके बहुत सारे यूज हो सकते हैं या हो सकता है न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास, देखिए फॉर्मूला है आपके पास एक तो फॉर्मूला ये, जैसे मान लीजिए आपके पास साइन टाइम ए प्लस बी आ जाए, प्यारे बच्चों ए प्लस बी, तो इसका क्या फॉर्मूला, क्या आइडेंटिटीज है, अगर साइन ए प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, साइन ए प्लस बी को जो है आप लिख सकते हो साइन ए कोस बी, यहां लगाएंगे प्लस और यहां आ जाएगा साइन साइन बी बी कोस ए। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक बार तो हमने यहां लिखा साइन ए और एक बार लिखा हमने प्लस करके यहां साइन बी, फिर एक लिखा कोस बी और यहां कोस ए। तो साइन ए कोस बी या साइन बी कोस ए, तो यहां पे आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, तो ये हमारा फॉर्मूला बना। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सेकेंड फॉर्मूला देखिए यहां पे है साइन साइन ए माइनस बी। अगर प्यारे बच्चों हमारे पास एंगल का माइनस हो जाए, यानी साइन का एक एंगल ए है एक बी है, इनका माइनस हो जाए, जैसे प्लस था ऊपर ऐसे माइनस है यहाँ पे, तो हो जाए तो ये आइडेंटिटीज किसके बराबर होगी प्यारे बच्चों, तो हमने लिखना है साइन ए, यहाँ पे लिखना है कोस बी और यहाँ लगाना है माइनस, राइट। फिर लिखना है आपको साइन बी और यहाँ लिखना है कोस ए। अल्टरनेटली आपको ध्यान रखना है कि यह साइन ए है तो यहाँ साइन बी होना चाहिए, या कोस बी है तो यहाँ कोस ए होना चाहिए, यानी इस वाले प्रोडक्ट में डिफरेंट होना चाहिए, इस प्रोडक्ट में एंगल जो है डिफरेंट होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपको ध्यान रखना है। तो कह रहे बच्चों आप ध्यान से समझ रहे होंगे, जैसे कि आप समझ रहे हो कि साइन ए प्लस बी, यानी अगर साइन के दो एंगल का सम हो तो ये आइडेंटिटीज आपकी ऐसे लिखी जाएगी, और साइन ए माइनस बी यानी साइन के एंगल का डिफरेंस हो तो साइन ए इंटू कोस बी माइनस साइन बी और कोस ए, ऐसा लिखा जाए, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप याद कर लीजिए। आपकी जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज आती है प्यारे बच्चों वो कौन सी आती है, याद रहे वो आती है आपकी कोस की। तो देखिए कोस वाली आइडेंटिटीज देखिए आप ध्यान से, तो कोस वाली आइडेंटिटीज क्या है, अगर मान लीजिए कोस के एंगल में, मान लीजिए अगर प्लस, कोस के दो एंगल है वो प्लस में हो तो क्या लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों बताइए कैसे इसको लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखिए, अगर कोस वाली आइडेंटिटीज आ जाए तो आपके पास कैसे लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी कोस ए, यहाँ पे लिखा जाएगा कोस बी, यहाँ लगाया जाएगा, देखिए यहाँ प्लस हो तो अल्टरनेटली यहाँ माइनस आएगा, ऊपर वाले में देखिए प्लस है तो प्लस है माइनस है तो माइनस है, लेकिन कोस वाले में प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे प्यारे बच्चों साइन ए और यहाँ पे आएगा साइन बी, ठीक है। आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अगर कोस के एंगल में माइनस हो, डिफरेंस हो ए माइनस बी का, तो क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों क्या लिखना है, कोस ए और लिखना है कोस बी सेम, या माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस और यहां आ जाएगा कोस ए, सॉरी सॉरी आप यहां पे लिखेंगे साइन, क्योंकि कोस का हो गया तो यहां पे आएगा फिर बच्चों साइन, तो यहां आ जाएगा साइन ए और यहां आ जाएगा साइन बी। ऊपर वाली आइडेंटिटीज और नीचे वाली आइडेंटिटीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए कोस ए कोस और इस वाले कोस में, कोस ए प्लस बी में यहां माइनस आ गया और कोस ए माइनस बी में यहां प्लस आ गया, बाकी आइडेंटिटीज सेम है आप जैसा कि देख रहे हैं। इनको अच्छे से याद करना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीजें हैं, फिजिक्स के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट जो, इसको जल्दी से नोट करिएगा, और नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है वो है टेन ए प्लस बी। अगर आपके पास टेन ए प्लस बी आ जाए प्यारे बच्चों तो क्या लिखेंगे आप, देखिए टेन ए प्लस बी, तो आपके पास आ जाए टेन ए प्लस बी, प्यारे बच्चों टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी को कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखिए, टेन ए प्लस बी को आप लिखेंगे टेन टेन ए, यहां पे आप लगाएंगे, देखिए इस चीज का ध्यान रखना है इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, एक चीज का ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्लस आए तो आपको ऊपर क्या लिखना है, टेन ए प्लस टेन बी, टेन टेन बी, तो लिखा टेन ए प्लस टेन बी, और नीचे लिखेंगे वन
और फिर लगाएंगे माइनस और फिर लिखेंगे टेन ए और टेन टेन बी। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी को आपने लिखा टेन ए प्लस टेन बी और फिर लिखा अपॉन वन माइनस टेन ए और टेन बी। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, नीचे क्या जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस आ जाएगा, ध्यान रखना है। पर बच्चों अगर मान लीजिए हम सेकंड फॉर्मूले की बात करें, इसके कंपैरिजन में अगर सेकंड फॉर्मूला क्या बन सकता है कि मान लीजिए टेन टेन ए माइनस बी, है ना, टेन के केस में अगर प्लस दो एंगल का प्लस हो, टेन के केस में दो एंगल का माइनस हो, तो क्या कैसे लिखेंगे। मैंने कहा माइनस है, जैसे यहां प्लस है तो प्लस आएगा, तो ऐसे ही यहां पर टेन ए माइनस टेन टेन बी प्यारे बच्चों, क्योंकि टेन ए प्लस बी था तो यहां प्लस आया था, तो यहां माइनस है तो माइनस आया, ऑब्वियसली नीचे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, यहां प्लस है तो यहां माइनस है, क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस है, नीचे आ गया अल्टरनेट माइनस, यहां माइनस है तो माइनस ही अल्टरनेट आ गया प्लस, तो यहां पे लिखेंगे टेन ए और यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों टेन बी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं साइन का डिफरेंस, साइन का एंगल का एक तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही कोस का एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे टेन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपके पास ये फॉर्मूले जो है आपके बनेंगे। तो बच्चों अच्छे फॉर्मूले हैं, अच्छे से इसको याद करना है आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे और कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे कि साइन टू ए के, साइन टू ए के। तो प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होता है साइन टू ए, साइन टू ए। तो प्यारे बच्चों साइन टू ए किसके बराबर होता है ये आपको बताना है, साइन टू ए किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों ये आपको बताना है। तो देखिए साइन टू जो टू ए जो है वो टू, अगर हम बात करें साइन ए और कोस ए के बराबर होता है, ध्यान रखना आपको, अगर साइन 2a आ जाए तो साइन 2a को कैसे लिखेंगे, 2 साइन a और cos a लिखेंगे, 2 साइन 2a को, 2 साइन a नहीं है, ये साइन 2a है, यानी एंगल का डबल है यहाँ पे, ये जो a एंगल है उसका हम ट्वाइस है, तो साइन 2a क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा साइन a और cos a, ये याद रखना है साइन a और cos a, 2 साइन a cos a इसको लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों ये भी बात याद रखनी है कि हमारे पास जो ये साइन 2a है, अगर ये 2 साइन a और cos a के बराबर है तो इसको tan की टर्म्स में भी लिखा जा सकता होगा, बिल्कुल tan की टर्म्स में इसको कैसे लिखा जा सकता होगा, देखिए इसको लिखा जाता है 2 tan a, यहां पे लिखा जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर। अब आप ये फॉर्मूला ध्यान से समझिए और देखिए, यहां पे आपके पास यहां प्लस लगेगा, तो यहां पे देखिए कि 2 साइन a cos a को आप 2 tan a अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, यानी ये चीज इसके बराबर है और ये चीज के बराबर है, तो ओवरऑल हम ये तीनों आइडेंटिटीज को इक्वल मान सकते हैं, है ना। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो कि किस तरह से हम यहाँ पे ये वैल्यूज लिख रहे हैं। अब देखिए कोस टू ए आ जाए, तो प्यारे बच्चों कोस टू ए आ जाए तो क्या करेंगे, तो हमारे पास अगर कोस टू ए आ जाए तो क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों ये आएगी कोस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि सभी के पैरेलल चीजें लेनी है, मतलब क्या, अगर ये साइन 2a है तो cos 2a क्या होगा, cos 2a क्या होगा, cos 2a होगा cos स्क्वायर a माइनस लगाएंगे प्यारे बच्चों sin स्क्वायर a आ जाएगा, sin स्क्वायर a, ठीक है, क्या आ गया, cos 2a जो है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर आ जाता है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। तो sin 2a हमने पढ़ा, sin 2a हमने पढ़ा और cos 2a हमने पढ़ा, ये cos 2a किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अब हम आगे जो नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे वो tan 2a के बराबर, tan 2a किसके बराबर होता है, फिर बच्चों देखो tan 2a जो है वो किसके बराबर होता है वो हमने पढ़ा है, तो हमारे पास आता है tan 2a, tan 2a है ना, तो tan 2a किसके बराबर होगा, 2 tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इन फॉर्मूले को आप जो देख रहे हो ना उसको ध्यान से समझना आप, क्योंकि ये क्या है याद करने में आपको आसानी होगी इसकी, साइन 2a जो है 2 sin sin a cos a के बराबर होगा, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, लेकिन जब tan 2a लिखा जाता है तो उसको लिखा जाएगा 2 tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो यहां माइनस का फर्क है, यहां माइनस है और यहां प्लस है। देखिए फॉर्मूले में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है आपको, एक माइनस की जगह अगर प्लस कर दिया तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी या इसके बराबर हो जाएगी, लेकिन अगर यहां माइनस कर दिया तो ये फॉर्मूला जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इस चीज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती यहां पे। ओके, अब हम फिर बच्चों आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है आपके पास, देखिए आगे है कि अगर फॉर्मूले में आपको ऐसा मिल जाए साइन ए प्लस बी प्लस और हमारे पास मिल जाए साइन ए माइनस बी, फिर बच्चों ध्यान से देखिए क्या है, हमारे पास फॉर्मूला बना, सॉरी हमारे पास एक आइडेंटिटी बनी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो देखिए साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी किसके बराबर होगा, तो टू साइन ए और कोस ए के बराबर, बी के बराबर होगा, यहां पे होगा टू साइन ए और यहां पे हो जाएगा कोस बी के बराबर।
अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा है 2 साइन ए कोस बी के बराबर है, और यहां पे भी 2 साइन ए कोस बी के बराबर है, तो यानी ये जो चीज है ना, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर भी है ना, तो फॉर्मूले आपस में कहीं ना कहीं तो मैच करेंगे, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और 2 साइन ए और कोस बी के बराबर हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब साइन ए प्लस बी, ध्यान से आपको समझना है कि अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसा बना दे, क्या अगर साइन ए प्लस बी ही हो और यहां माइनस आ जाए और यहां पे साइन ए माइनस बी हो, तो बेटा कैसे लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखो, यहां प्लस है तो यहां माइनस है, इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा लेकिन टू यहां पे लिखना पड़ेगा कोस ए और यहां पे लिखना पड़ेगा साइन बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेम, या टू साइन ए था या टू कोस ए लिख दिया हमने माइनस की वजह से, और यहां कोस बी है और यहां साइन बी हो गया। ठीक है, तो फिजिक्स में हमें एक तरह से, इस तरह से एक लॉजिकली याद रखना पड़ेगा कि भाई ये कैसे आया, ये कैसे आया, बस याद करने के लिए, भाई ये कैसे आए, मैथमेटिक्स में इसका प्रूफ मैथ वाले टीचर्स आपको करा देंगे। अब आपके पास साइन के हो गए, अब हम कोस को देखते हैं, भाई कोस किसके बराबर होगा, राइट, कि जो कोस की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो कोस ए प्लस बी, अरे बच्चों कोस ए प्लस बी और प्लस कोस कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अगर आपको पास मिल जाए तो इसकी आइडेंटिटी जो है वो किसके बराबर होगी। तो अगर बच्चों बताइए, ध्यान से बताइए कि कोस ए प्लस बी और कोस कोस ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर, ध्यान से समझिए। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा टू कोस ए, टू कोस ए कोस बी। अच्छा, इसमें एक चीज का भी ध्यान रख सकते हो आप, देखो साइन की टर्म जब आती है तो अल्टरनेट आता है साइन कोस, ठीक है, लेकिन जब कोस की टर्म्स आती है तो देखिए कोस कोस साइन साइन है ना, देखो कोस कोस साइन कोस के टर्म्स में होता है, ऊपर वाले भी देख रहे हो आप, साइन साइन है तो कोस भी आ गया, अल्टरनेट साइन के टर्म्स में अल्टरनेट चीजें आती हैं बदल के, साइन कोस, इसमें देखो साइन है तो साइन कोस, लेकिन जब कोस की टर्म्स आती है तो कोस कोस आता है, आ गई ना कोस कोस, ध्यान रखना है आपको, ये कोस कोस की टर्म्स आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा मेरे बच्चों वो क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और एक चीज का भी ध्यान रखना है क्योंकि इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कोस ए प्लस बी है माइनस और यहां पे कोस ए माइनस बी है मेरे बच्चों, तो वो किसके बराबर होगी, तो आपको ध्यान रखना है माइनस आ गया तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप यहां पे लिखेंगे टू, आप यहां लिखेंगे साइन ए और यहां पे लिखेंगे साइन बी, साइन बी, देखिए कोस की टर्म्स में साइन आ गया, इसका मतलब ये थोड़ा सा याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो याद रखना अगर प्लस है तो यहाँ टू कोस है कोस भी आएगा, लेकिन अगर यहाँ कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी है तो याद रखना माइनस टू साइन ए साइन बी आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, अगर हमारे पास यहाँ हो जाएगा, ऑब्वियसली शायद यहाँ हो जाएगा, तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों साइन सी प्लस साइन डी, यानी साइन ए प्लस साइन बी भी बोल सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या हो, यानी हमारे पास अगर मिल जाए साइन ए प्लस साइन बी, देखिए प्यारे बच्चों साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आप बताइए किसके बराबर होगा, साइन ए प्लस साइन बी, तो ये किसके बराबर होगा, तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है टू लिखना है यहाँ पे और यहां लिखना है साइन और यहां लिखना है ए प्लस बी अपॉन टू, राइट, फिर लिखना है यहाँ पे कोस और यहां लिखना है ए माइनस बी और अपॉन लिखना है टू, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका, ध्यान रखना है साइन ए और साइन बी अगर आपको मिल जाए, मेरे बच्चों मैंने क्या कहा आप ध्यान से समझिए जो मैं बोल रहा हूं, कि अगर मान लीजिए साइन ए प्लस साइन बी आपके पास मिल जाए इज इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कोस ए माइनस बी अपॉन टू, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मान लीजिए इसका अल्टरनेट मिल जाए, अल्टरनेट आपका क्या हो सकता है, जैसे मान लो हमारा फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो देखो एंगल का फर्क है, हम एंगल कुछ भी ले सकते हैं, साइन ए माइनस साइन बी ये ले लेते हैं। ठीक है, माइनस है, अब ध्यान से देखिए माइनस है, इसमें माइनस है, तो अगर माइनस आ जाए तो आप क्या करोगे, सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या कर सकते हैं, तो इसमें दिमाग लगाने वाली एक्चुअल में तो अगर कोई बात है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे अल्टरनेट ले लेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहां पर जाएगा टू और यहां आ जाएगा फिर जो कोस, यानी ए प्लस बी बाई टू और यहां पर आपकी बार साइन आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन टू, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, तो साइन ए माइनस साइन बी टू कोस ए, यहां पे देखो साइन पहले टू साइन ए प्लस बी था लेकिन यहां पे माइनस लगने से टू कोस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये भी हो सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ टर्म्स रह गई, ठीक है, कुछ टर्म्स को हम यहां पे कर सकते हैं, एक यहां लिख देते हैं एक वहां लिख देते हैं, कोस वाली टर्म्स अगर आ जाए तो फिर बच्चों क्या करेंगे, कोस वाली टर्म्स हम क्या करेंगे, कोस तो यहां पे आ सकता है, जैसे मान लीजिए कोस ए है और प्लस कोस बी है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए 2 कोस ए प्लस कोस बी है तो कैसे लिखेंगे, कोस 2 कोस ए प्लस बी बाई टू, एक तो आपका ये हो गया
और कोस ए माइनस बी बाई टू। देखो ये बन गया, अब ध्यान से देखिए, कोस ए प्लस कोस बी है तो टू कोस ए प्लस बी बाई टू और कोस ए माइनस बी बाई टू। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि कोस वाली टर्म्स में सेम रहता है, कोस 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 रहता है, अगर साइन आएगा तो साइन साइन रहेगा, लेकिन जब साइन के टर्म्स में लिखते हैं तो कोस साइन आएगा, साइन कोस साइन, ठीक है ना, इस तरह से आएगा। तो देखो ना, आप कोस है तो ये कोस कोस का आ गया, राइट। अगर मान लो, सपोज करो, अगर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाए, चलो वहां जगह नहीं है तो हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कोस कोस ए, आपकी बार माइनस है, प्लस है तो आपकी बार माइनस लिख देते हैं कोस बी। तो ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो लिखेंगे माइनस, पहले तो माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे टू, अब लिखेंगे बेटे साइन ए प्लस बी बाई टू, और फिर बच्चों यहां लिखेंगे साइन फिर दोबारा से और ए माइनस बी बाई टू बाई। अब आप यहां पे देख पा रहे हो इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से समझिए, इस फॉर्मूले में आपको क्या मिल रहा है, अगर कोस ए माइनस कोस बी है तो माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू मिल रहा है आपको। यहां प्लस है तो यहां कोस कोस के टर्म्स आ गए, अगर यहां माइनस है तो यहां पे माइनस लिख के ही आ गया। तो इन फॉर्मूले को याद आप अच्छे से इसलिए भी कर सकते हो क्योंकि मैंने एक चीज बताई आपको कि अगर साइन के टर्म्स आए तो देखो साइन कोस साइन की चाहे माइनस प्लस में जो टर्म्स आए वो तो देख लो, देखना पड़ेगा कि माइनस से माइनस से प्लस, ये छोड़ो आप, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि साइन के टर्म्स में अल्टरनेट होता है साइन कोस। अच्छा, लेकिन अगर कोस के टर्म्स में अगर साइन है तो साइन साइन आएगा, कोस के टर्म्स में लिखा जाए तो कोस कोस लिखा जाएगा, राइट। ऐसे ही तो आप इसको अच्छे से याद करिए, जो फिजिक्स के टर्म्स में, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इसके कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में भी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, तो करिए इसको ध्यान।